तुम्हें खूबसूरत लड़का चाहिए? अरे तू ट्राई करेगा क्या? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है और सितारे भी नहीं है। अच्छा तू मेरी छोड़, वो भाई आ रहा है, ट्राई कर जा। देखूं मैं वहाँ। हाय नमस्ते। क्या रे, वो बस छूट गई क्या? वो देख वो आ रही है। ए चंडी, तू उस बस में क्यों नहीं गया? मैं इस बस में क्यों जाऊंगा? फिर कौन सी बस में जाएगा? डबल डेकर बस में जाऊंगा। ए डबल डेकर इस रूट में नहीं आती। नहीं चलती क्या? नहीं। सच में नहीं चलती क्या? अबे सच में नहीं आती। ठीक है, जब चलेगी तब जाऊंगा। क्यों, मुझे क्यों देख रही हो? तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। तो फिर होटल में चलेंगे या रूम में? तुम्हारी मर्जी, जहाँ भी ले चलो। चलो। हाय। गणेश, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, जवाब दोगे? मालूम होगा तो जरूर दूंगा। तो ये बताओ, को एजुकेशन क्या है? को एजुकेशन मतलब को एजुकेशन? नहीं, इसका एक और आंसर है। इसका आंसर वो देखो, उधर देखो, इधर देखो, इनको देखो। चप्पल से मार खाएगा। ये देखो, जिसको प्यार करना नहीं होता है उसका रिएक्शन देखो। सो को एजुकेशन में कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है। ओके, तुमने जो सब्जेक्ट बताया वो ठीक है, मगर उस सब्जेक्ट में हम दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला। इसमें बताने की कौन सी बात है? सत्य हम लोगों की तरह नहीं है जो प्यार के लिए गड़गड़ाते रहे। बस हो गया क्या? वो क्या छोटा बच्चा है जो खो जाएगा, लौट कर वापस जरूर आएगा। मेरा प्यारा चंडी, एक इकलौता बेटा है, वो अगर लौट कर वापस आ गया तो मैं 1000 नारियल भगवान को चढ़ाऊंगी। भाभी जी, वो आएगा? आप दोनों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। है? कौन है ये लोग? बेटा, मेरा लाडला बेटा, तू सच में मेरा बेटा है ना? हाँ। मेरा चंडी है। हाँ माँ, मैं सचमुच में तुम्हारा इकलौता बेटा विशाल ही हूँ। हाँ। फिर तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है? ये सिकंदराबाद के तोते हैं डैडी। हाँ। आपकी बहू है। देखो तो मैं अब भी बताता हूँ, रुक जा, रुक रुक, पहले पता तो करे क्या बात है। जल्दी पता कर ले, पति की जान बहुत महंगी है। तुमने इन दोनों से शादी कर ली है? हाँ माँ। बेटा, कोई भी मर्द ना किसी एक ही से शादी करता है, तूने दोनों लड़कियों से शादी क्यों की बेटा? ये समझदारी है माँ। सपोज दोनों में से कोई एक किसी दिन मुझसे लड़ झगड़ कर वापस अपने मायके चली गई तो सेफ साइड के लिए दूसरी तो मेरे साथ रहेगी ना। अरे मेरे समझदार बेटा, अगर तुम्हारी ये समझदारी थोड़ी सी भी तुम्हारे पिता में होती तो क्या होता? आपका घर टूट जाता माँ। क्या रे, अभी तक तुम दोनों कह रहे थे तुम्हारा बच्चा बहुत नादान है और एक साथ दो बीबियां लाया है और सेफ की बता रहा है, इसे एक बार अंदर डालूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी रूट पे क्या ड्रामा है, जाओ जाकर आरती की थाली लेकर आओ। अब अंदर चलो। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको बहुए, तुम दोनों ने अपनी पसंद से शादी किया है ना? हाँ ससुर जी, हमने आपकी बेटी को पसंद करके ही शादी की है। हाँ ससुर जी, आप हमें एक काम बताएंगे तो हम डबल करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ देर और देखते हैं, शायद ये फोन छोड़ देगा। बाप रे, ये बहुत डेंजरस एरिया है भाई, अगर इस लड़की से दिल लगाएंगे तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ। अंतिम संस्कार करने के लिए अपने शरीर का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा भाई। ए, अरे डरपोको, असल में हुआ क्या ये बताओ। रॉयल सीमा में उस लड़की के भाई का बड़ा नाम है, जमींदारों का वंश है, अच्छाई को अच्छाई से बुराई को बुराई से किसी का भी सामना करने की ताकत है उसमें। उस लड़की के भाई का नाम है रॉयल सीमा रत्नाराम। ए तुम कुछ भी कहो, वो सब यहाँ नहीं है,
कहीं भी हो, लेकिन तुम्हारे जैसे 100 शिवाओं को चींटी की तरह मसलने की औकात है उसकी। डोंट वरी यार, किसी का प्यार पाने के लिए थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है। शाबाश, तू अपनी बात पे कायम रह, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। श्योर श्योर। अरे बाप रे बाप, लगता है पिक्चर शुरू हो गई। हेलो, ये लो दो टिकट। लेकिन दो टिकट किस लिए? हाँ, दोनों टिकट मेरे लिए। दोनों टिकट तुम्हारे लिए? ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? देखो, अगर एक सीट में छिपकली होगी तो मैं दूसरी सीट पे जाकर बैठ जाऊंगा, और अगर दूसरी सीट पर हुई तो मैनेजर की सीट पर बैठूंगा। कैसी बात करता है, एक तो काम सूत्र फिल्म लगी है, अपने सारे दोस्तों को दूसरे थिएटर में भेजकर चोरी छिपे यहाँ आया हूँ। पहले बता देता हूँ, बाहर जो पोस्टर लगी हो पर्दे पर नहीं आई ना, तो मैं तुझे फाड़ डालूंगा। इले फाड़ दिया, चल जा। सर, जाना आपको ही है, मुझे नहीं। सीट इतनी नरम और मुलायम है। ये क्या जी, सिनेमा हॉल में सबके सामने ये सब? इसलिए मैं कहती हूँ फिल्म दिखाने मत लाया करो। ये क्या, मेरी सीट बात कर रही है? लेटेस्ट टेक्निक है क्या ये? क्या वेट में टेढ़ा आड़ा लग रहा है? क्या वेट में टेढ़ा लग रहा है? मेरा सूट कोई मारकर ढीली हुई चप्पल मेरे लिए छोड़ गया कंजूस कहीं का, जिसकी बीवी पर बैठा हूँ, मारने के बजाय पूरा थिएटर मुझे मारने। कैसा है हैदराबाद का मौसम? बाहर जाने में मुझे बहुत डर लगता है भैया। वो क्यों? मैं जिस रास्ते से जाती हूँ भैया, वहाँ एक चिलर गैंग है, वो मेरा पीछा करते हैं, कभी कभी मेरी गाड़ी रोक लेते हैं और शरारत करते हैं। ऐसी बात है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई हमने ध्यान नहीं दिया, बहन कह रही है तो हम देखते हैं। उस गैंग के बारे में बताओ बहन, मैं उन सारे लड़कों के हाथ पैर तोड़कर उनके घर वालों को पार्सल कर दूंगा। बहन तुम चिंता मत करो, सालों के जेब में बम रख कर फोड़ूंगा। नहीं ऐसा मत करना, हम इस काम को छोड़ने के लिए यहाँ आकर बसे हैं। पहले उन्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दो, फिर सोचेंगे उनका क्या करना है। तुम खाओ। सुनो 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 सुनो, अभी मैं जगन का इंटरव्यू लूंगा, तुम सब देखना। इंटरव्यू कौन से चैनल के लिए होगा? हाँ सभी चैनल के लिए। अरे जगन, तुम्हें हैदराबाद आए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। ओ 3 साल, तो फिर कितनी लड़कियों से परिचय हुआ, बताओ जल्दी। बहुतों को किया, मगर मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की के लिए जगह है, वही लड़की मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। अच्छा, अबे जा बे। तुम्हारे दिल में जो भगवान है मैं उनके बारे में नहीं जान रहा हूँ, यहाँ की जो लड़की है उनके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ की सभी लड़कियों को पसंद करता हूँ, और वो भी मुझे पसंद करती है। यहाँ की लड़कियों के साथ जो तुमने मधुर पल बिताए हैं, उनका जरा हमें अनुभव तो बताओ। अपनी जिंदगी में एक लड़की को तो मैं कभी नहीं भुला सकता।